हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार इज कैपिटल वी। एक कार की अधिकतम चाल कैपिटल वी है एंड द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज एस्यूम टू वेरी एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। उसके ऊपर लगने वाला प्रतिरोध कार की स्पीड के वर्ग के समानुपाती है। इफ़ इंजन वर्क्स एट ए कॉन्स्टेंट रेट, जब इंजन के ऊपर इंजन जो है अचर दर से कॉन्स्टेंट रेट से काम करता है, इट्स अटेंड द स्पीड वी अपॉन टू, तो उसकी स्पीड आधी हो जाती है यानी वी की वी अपॉन टू हो जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। ए रेस्ट से ए दूरी चलने के बाद उसकी डिस्टेंस वी अपॉन टू हो जाती है, आधी हो जाती है, जब कार का जो इंजन है उस पर एक कॉन्स्टेंट रेशो से कॉन्स्टेंट रेट से फोर्स अप्लाई करता है। आगे इफ़ इट्स इंजन एक्सर्ट ए कॉन्स्टेंट ट्रैक्टिंग फोर्स, जब उसका इंजन पुनः उसका इंजन एक कॉन्स्टेंट ट्रैक्टिंग फोर्स लगाता है, इट्स अटेंड द स्पीड वी अपॉन टू, तब उसकी स्पीड फिर से जो स्टार्टिंग की स्पीड है उसकी वी अपॉन टू हो जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस बी। अब उसके द्वारा चली गई दूरी जो है ना बी होती है फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से बी दूरी चलने के बाद उसकी स्पीड वी अपॉन टू हो जाती है। उस पोजिशन में कार का इंजन एक एक्सट्रैक्ट कॉन्स्टेंट ट्रेवलिंग फोर्स अप्लाई करता है, ओके एक्सल्ट ट्रैक्टिंग फोर्स अप्लाई करता है। तब आपको सिद्ध करना है ए डिवाइडेड बाई बी या ए रेशो बी इज इक्वल टू टू लॉग एट अपॉन सेवन रेशो थ्री लॉग फोर अपॉन थ्री। ओके, मेरे पास दो सिचुएशन होंगे। केस नंबर वन की बात कर रहा हूँ, व्हेन इंजन वर्क कॉन्स्टेंट रेट, पहले वाला केस व्हेन इंजन वर्क कॉन्स्टेंट रेट, इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। कॉन्स्टेंट रेट, जब इंजन कॉन्स्टेंट रेट से काम करता है, इस लाइन का मतलब मैथमेटिकली निकलता है कि अगर इंजन के ऊपर लगने वाला फोर्स एफ हो, इफ इंजन एफ फोर्स लगा रहा है तो एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन वी के। क्लियर, यानी व्हेन इंजन वर्क कॉन्स्टेंट रेट, अगर इंजन द्वारा लगाई गई ताकत एफ हो तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी। आपको पता है कि जब समानुपाती के निशान को हटाया जाता है तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लिया जाता है, तो मैं इसको हटाने के लिए एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ, कैपिटल एफ इज इक्वल टू आपने के डैश अपॉन वी, के डैश आपने कॉन्स्टेंट मान लिया, ओके, और एफ इज फोर्स जो इंजन द्वारा लगाया गया फोर्स है, ओके यहाँ तक समझ में आती है बात। नाउ अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लगाने से पहले मैं एक चीज़ और देखूँगा, मैं ज़रा आप समझने की कोशिश करते रहना बस। पहले वाला केस तो मेरे पास निकल कर के आया कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू है के डैश अपॉन वी के, ओके। नाउ क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर कट दे रखा है कि द रेजिस्टेंट टू इट्स मोशन इज एस्यूम वेरी एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, लिखा हुआ है ना, यानी उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, अगर आर मेरा रेजिस्टेंस हो, ओके, इफ नाउ इफ कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड वी स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो यहाँ आर समानुपाती होगा वी स्क्वायर के। क्लियर, अब आगे की तरफ चलते हैं, पहले इसी केस को डिस्कस करते हैं भाई, उसके बाद सेकंड की बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब इस प्रोपोर्शनल के निशान को ये जो समानुपाती का निशान है प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको इक्वल साइन के अंदर मैं ब्रेक करूँगा तो ये क्या एक कॉन्स्टेंट लेना होता है। आपको पता है मैंने कॉन्स्टेंट लिया आर इज इक्वल टू एम के वी स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन,
इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या होगी भाई, ज़रा इसको भी समझो आप। ये होगा एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना है भाई, के डैश अपॉन वी है, माइनस एम के वी स्क्वायर। क्लियर है ना। फोर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मेरे पास कंसेप्ट क्या होता है, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू होती है ज़ीरो, और स्मॉल वी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कैपिटल वी के अंदर। चलो भाई, तो मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, इस इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट की दोनों की दोनों, टर्मिनल वेलोसिटी का केस मैंने यहाँ लगाया और रिजल्ट निकालने की कोशिश की, देन ये मेरे पास निकल कर क्या, एम गुणा ज़ीरो इज इक्वल टू के डैश अपॉन कैपिटल वी माइनस एम के कैपिटल वी स्क्वायर। क्लियर है ना। यहाँ से मैंने के डैश की वैल्यू निकाली है तो ज़ीरो हो चुका, यहाँ से मेरे पास निकला के डैश अपॉन वी माइनस एम के वी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, के डैश अपॉन वी इज इक्वल टू निकला एम के कैपिटल वी स्क्वायर, के डैश की वैल्यू निकली एम के वी की पावर थ्री। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुटिंग कर रहा हूँ भाई मैं, द वैल्यू ऑफ के डैश इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मैंने के डैश की वैल्यू डाल दी, इस इक्वेशन के अंदर सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर वन है, तो ये निकल करके आया एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, आप भी समझते हो इस चीज़ को, एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू डाली मैंने, ये कितना निकला भाई, एम के कैपिटल वी की पावर थ्री बटे स्मॉल वी माइनस एम के वी स्क्वायर। क्लियर, ये पावर थ्री है। आगे की तरफ चलता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर गया भाई वो कितना निकल गया, पहली बात तो ये है कि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो चुका, ये निकला डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल वी की पावर थ्री अपॉन स्मॉल वी माइनस के वी स्क्वायर, के इंटू वी स्क्वायर। बट हमारे पास फार्मूला होता है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्मॉल वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की और अगला रिजल्ट निकाला, देखता हूँ क्या आता है। ओके, जैसे ही मैं अगला रिजल्ट की तरफ बढ़ूँगा जो भी होगा आपके सामने रहेगा, अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या हुआ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते ही ये निकल करके आया कितना भाई, वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स। क्लियर है ना, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है आपको, मैंने के अपॉन स्मॉल वी कॉमन ले लिया, कितना बचा, कैपिटल वी की पावर थ्री माइनस स्मॉल वी की पावर थ्री। क्लियर है ना, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया और इसके अंदर से एक्स और वी अलग अलग किए मैंने, ध्यान से देखो अब आप, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया ये एक, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, एक्स वाला स्टेप तो मैंने अलग रख लिया, डी एक्स तो ये हुआ, इसकी इसके साथ गुणा करी, बराबर ये निकला मेरे पास वी स्क्वायर इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी की पावर थ्री माइनस स्मॉल वी की पावर थ्री। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके,
तो यहाँ से मेरे पास डी एक्स की वैल्यू निकली कैपिटल वी स्क्वायर डी वी बटे कैपिटल वी की पावर थ्री माइनस स्मॉल वी की पावर थ्री। बट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है उस चीज़ को भी समझ लो आप भाई। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना, कि इट्स अटेंड स्पीड वी अपॉन टू आफ्टर दूरी आधी हो जा सॉरी स्पीड आधी हो जाती है जब वो ए दूरी ट्रेवल करता है। ओके अगर मैं टोटल दूरी निकालने की कोशिश करता हूँ, दूरी आधी हो जाती है और कह रहा है कि फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब ये निकलता है कि जब मैं दूरी निकालने की कोशिश करूँगा तो टोटल दूरी, ये पार्टिकल ज़ीरो से स्टार्ट होगा ए दूरी तक चलेगा और ये तो होगा डी एक्स, इधर हो जाएगा बेटा कितना, और ये जो के है ना ये मैंने छोड़ दिया इंटू वन अपॉन के, इधर हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन के। पार्टिकल स्टार्ट से चल रहा है कैपिटल वी अपॉन टू तक पार्टिकल चल रहा है और ये वी स्क्वायर डी वी बटे कैपिटल वी की पावर थ्री माइनस स्मॉल वी की पावर थ्री। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके अब देखो बेटा, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये निकल कर के आएगा एक्स ज़ीरो से इज इक्वल टू ये होगा वन अपॉन के, इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेकर वी अपॉन कैपिटल वी अपॉन टू स्मॉल वी स्क्वायर डी वी बटे कैपिटल वी की पावर थ्री माइनस स्मॉल वी की पावर थ्री। इसको आप टी मान लोगे। सपोज़ दैट आपने क्या किया, सपोज़ दैट कैपिटल वी की पावर थ्री माइनस स्मॉल वी की पावर थ्री इज इक्वल टू टी, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये तो ज़ीरो हो जाएगा माइनस थ्री वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी और ये होगा वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू होगा माइनस एक बटे तीन डी टी। इंटीग्रेट करने के बाद इधर तो दूरी निकल करके आएगी ए इज इक्वल टू, यहाँ होगा वन अपॉन थ्री के इंटीग्रेशन के बाद बता रहा हूँ मैं, लोग ये होगा एट अपॉन सेवन। ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करोगे, आप बी एस सी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो इतना समझ सकते हो, छोटा सा कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, यहाँ से ए दूरी का रिजल्ट मेरा ये निकल जाएगा। ओके सपोज दैट दिस इज इक्वेशन वन, आगे की तरफ चलता हूँ नाउ। ओके एक रिजल्ट तो मेरा क्लियर हो चुका भाई, इसको इंटीग्रेट कर लेना ही आएगा निकल करके। देखो यार मैंने आपको हिंट दे दिया है बहुत बड़ा, अब बच्चों वाली बात नहीं बताऊंगा मैं आपको यार, 50 लेक्चर हो चुके इस टॉपिक के ऊपर कम से कम। नाउ आगे की तरफ चलते हैं, एक रिजल्ट जो मेरे पास निकला हुआ है बच्चों अभी तक वो ये निकला हुआ है कि कार का जो इक्वेशन ऑफ कार है या जब कार जो एसर्ट करती है जो भी कुछ है, पहला रिजल्ट मेरे पास क्या रखा है, ए इज इक्वल टू जो आ चुका है वो आ चुका है वन अपॉन थ्री के आ चुका है और लॉग एट अपॉन सेवन आ चुका है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन वन, ये निकल चुका है मेरा। आगे देखते हैं, इफ इट्स इंजन एक्सर्ट ए कॉन्स्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स, जब इंजन जो है एक कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई करता है। केस नंबर टू, When engine, हाँ बेटा आगे कह रहा है कि when engine exert a constant traveling force, tracting force, okay, इस केस की बात कर रहा हूँ, जब जो इंजन है वो constant tracting force apply करता है, when the engine exert, short में लिख रहा हूँ बेटा, कॉन्स्टेंट फोर्स, मान लिया जाए एफ लगाता है कैपिटल एफ, सपोज दैट। ओके तो इस सिचुएशन में मेरे पास क्या होगा, जब उसके द्वारा जो जो फोर्स लगा हुआ है वो कैपिटल एफ होगा तो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन होगा मेरे पास एम इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर
इज इक्वल टू होगा कैपिटल एफ माइनस एम के वी स्क्वायर। ये कैसे होगा, आपको भी पता है कि उसके ऊपर जो लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स है वो दूरी के वर्ग के समानुपाती है, साफ साफ लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस फोर्स लिया है मैंने, क्लियर। चलो तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, और ये एफ कांस्टेंट है, साफ साफ है कि कांस्टेंट फोर्स है। ओके नाउ फॉर टर्मिनल वेलोसिटी फिर से लगाया मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी के केस में स्मॉल वी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कैपिटल वी के अंदर, एंड डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। सपोज दैट ये इक्वेशन एफ है, एफ इक्वेशन के अंदर मैंने वैल्यू डाली, ये निकला ज़ीरो इज इक्वल टू कैपिटल एफ माइनस एम के कैपिटल वी स्क्वायर। मैंने यहाँ से एफ की वैल्यू निकाली, कैपिटल एफ की वैल्यू निकली एम के कैपिटल वी स्क्वायर, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, पुटिंग एफ की वैल्यू कहाँ डाली मैंने भाई, इक्वेशन एफ के अंदर डाली, पुटिंग कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम के कैपिटल वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर एफ, तो मेरे पास कितना निकल कर के आया, ये एम इन टू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ एम के कैपिटल वी स्क्वायर माइनस एम के स्मॉल वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से एम से तो एम कैंसिल हो चुका, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर एम से एम कैंसिल हो चुका, के मैंने कॉमन ले लिया, ये बना कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। आगे की तरफ चलते हैं, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बट डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू होती है वी डी वी ओवर डी टी, वी डी वी ओवर डी एक्स, जरा सी गलती कर दी है, वी डी वी ओवर डी एक्स होती है, ये वाली वैल्यू मैंने पुट की यहाँ और रिजल्ट निकाला, तो जब ये वैल्यू पुट करूँगा ये हुआ वी इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, के इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया, ये होगा डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन के हो जाएगा, और ये होगा वी डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। ओके आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं भाई, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा रिजल्ट निकालूँगा। ओके मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये हुआ मेरे पास डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हुआ वन अपॉन के वी डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। फिर क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देखो अब की बार क्या कह रहा है ये, उसकी दूरी जो है ना, जब ये फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये एक्सर्ट ए कॉन्स्टेंट ट्रैक्टिंग फोर्स जब उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इट्स अटेंड द स्पीड वी अपॉन टू, उसकी जो स्पीड है ना वी अपॉन टू हो जाती है, और दूरी कितनी हो जाती है बी, ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द रेस्ट। ओके ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द रेस्ट का मतलब है कि दूरी जीरो से बी तक चलता है, और रेस्ट से वेलोसिटी वी अपॉन टू हो जाती है, ये तो मतलब निकलता है। देखो आप भाई फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहा है, फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहा है, तो दूरी चलता है बी फ्रॉम रेस्ट यानी जीरो टू बी, ट्रेवल करता है वी अपॉन टू फ्रॉम रेस्ट, दूरी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो टू कैपिटल वी अपॉन टू फ्रॉम रेस्ट। ओके आगे की तरफ चल लेते हैं, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, यार आप खुद भी समझ सकते हो, बच्चों वाली बात बची है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इधर इधर तो निकल करके आएगा बी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ये होगा सीधा वन अपॉइंट टू के लोग कितना होगा भाई, चार बटे तीन। कैसे होगा इंटीग्रेशन, मैं सपोज करूँगा कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस के टू वी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, आपके सामने है वी डी वी की वैल्यू निकल करके आएगी डी टी अपॉन माइनस के टू जो यहाँ आ रहा है, इंटीग्रेट करोगे रिजल्ट आ जाएगा, बी की वैल्यू आ चुकी, बट ए बराबर कितना आ चुका था मेरे पास,
फिर आप ये कहोगे कि सर देखो आप ए की वैल्यू आ चुकी थी 1/3 के लॉग 8/7, ए की वैल्यू कितनी थी भाई 1/3 के लॉग 8/7। ओके मेरे को निकालना है ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1/3 के लॉग 8/7 डिवाइडेड बाई 1/2 के लॉग 4/3 के सके कैंसिल, कितना निकल कर क्या ए अनुपात बी इज इक्वल टू हुआ भाई 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा 2 लॉग 8/7 अनुपात 3 लॉग कितना होगा 4/3। क्लियर है ना, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाय।